up people, this is Aryan Khan and welcome back to another vlog. तो यार आज दिन है सैटरडे का और इस वक्त मैं आया हूँ कॉलेज और अभी कॉलेज से थोड़ा सा आए हैं भाई, कुछ खाने भी नहीं है साथ में, ज्यादा दोस्त मेरा सबूत जिसके अलावा आज का जो खराब है फजूल में। तो आज का क्या सीन है कि यार आज हम जाएंगे अंदरून शहर लाहौर के, ठीक है, और ये देखें जो लिखा हुआ सामने भी अंदरून शहर वेल सिटी लाहौर। यहाँ क्या करना चाहिए यार, मैं कुछ नया स्टार्ट करने लगा हूँ, मैं ये करने लगा हूँ कि जितने भी लाहौर के मशहूर प्लेसेस हैं ना, जैसे हो गई बादशाही मस्जिद, हो गई मीनार पाकिस्तान, शालामार बाग, इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो मैं आप एक्सप्लोर करूँगा, ठीक है, और साथ साथ व्लॉगिंग भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि व्लॉग जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आप ये व्लॉग ही देख रहे हो, इससे अगली जो वीडियो होगी वो एक हिस्टोरिकल वीडियो होगी, ठीक है, लेकिन अभी व्लॉगिंग भी साथ साथ चलेगी और ये सारा कि ना साथ साथ चलेगा ताकि जो है कॉन्टेंट की कमी ना हो, क्योंकि व्लॉग खाली करने से कॉन्टेंट इतना नहीं होता, जिसकी वजह से डेज का इंटरवल आ जाता है, बीच में गैप्स आ जाते हैं, तो फिर जो है ना वो फिर मज़ा सा नहीं आता। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा तकरीबन एक दिन छोड़ के एक दिन एटलीस्ट जो है मेरे चैनल पे एक वीडियो डाला करें, ताकि चैनल की जो है वो बना रह गया चैनल पे, मतलब कि मैं एक्टिव रहूँ चैनल पे। तो बस अभी बोतल शोतल पी रहे हैं और अभी जाएंगे क्लास के अंदर, उसके बाद अभी एक लेक्चर लेना है, तकरीबन 11:30 हम निकलेंगे वहाँ से कॉलेज से, फिर हम इंशाल्लाह जाएंगे और आप लोगों को सारा दिखाएंगे अंदरून शहर। तो ज़रूर देख रहे हैं यार, और कमेंट सेक्शन में उस वीडियो के बताना है कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा, और ज़रूर देख रहे हैं यार उस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, और उस पर बेल पर दबा के उसको ऑल पे कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिले। तो बस अभी चलते हैं कॉलेज और फिर मैं आपसे बात करूँ। यार अभी हम जा रहे हैं व्लॉग टू एक हिस्टोरिकल प्लेस वज़ीर ख़ान मस्जिद, बस अभी ये आपके सामने दिल्ली गेट है, यहाँ से गुजरते हुए हम ये पहले सिटी लाहौर है, अंदरून शहर लाहौर, ये कॉलेज से फ्री हो गए थे और अब हम जा रहे हैं आगे। इधर थोड़ा सा ज़रा आपको पता ही है अंदरून कितना मतलब कि टाइट होती है सिचुएशन, मतलब कि तंग गलियाँ होती हैं, ये दिल्ली गेट से हम अंदर गुजर रहे हैं और इसकी भी इंशाल्लाह जो है सारी हिस्ट्री में बताऊँगा। अभी तो मेन जगह जा रहे हैं, ये बाजार कौन सा है, ये रंग महल आगे है, इसका नहीं पता, मीनार वगैरह देख सकते हैं, ये आ गई है वज़ीर ख़ान मस्जिद, बस अभी हम इसके अंदर जाएंगे और आपको मैं सारा हिस्टोरिकल बताऊंगा सारा सीन। बस ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, बाकी बहुत खूबसूरत लग रहा है, मशीन एकदम पिक्चर उतार दे इसकी, मतलब वीडियो के साथ ही ऑप्शन आ रही है कि पिक्चर उतार दीजिए उसको, सारी तरह क्लियर करके नहीं, जो तीन मीनार आ रहे हैं ना ये खूबसूरत लग रहा है, बाहर का एक आ जाएगा। बाइक खड़ी करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ सारा बाहर से भी। तो बस अभी चलते हैं अंदर, आपको सारे हिस्टोरिकल बता बताऊंगा, और भी काफ़ी लोग हैं आप देख सकते हैं। तो बस अभी मैं हूँ साथ, सबूर है वो आगे मोहसिन जा रहा है, तो इंशाल्लाह ये एक नया चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो देखते हैं यार कैसा रिस्पॉन्स आता है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा जाएगा। और बस ये एक ब्लॉग होगा, इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी, सारा कुछ मिलेगा, ये जस्ट ब्लॉग है, ठीक है, मैंने कहा ब्लॉगिंग के साथ साथ रखनी चाहिए ना, तो बस अब शुरू करते हैं सारा कुछ और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलूंगा। सो गाइस फाइनली जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग का शूट था वो पूरा कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह इस व्लॉग के बाद आपको वो जो है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बस अब निकलते हैं बाहर और ये बच्चों के यहाँ पे खेलने नहीं मुक रहे हैं। ऑल थैंक्स गोज टू मोहसिन एंड दिस बॉय सबूर। बस अब चलते हैं बाहर और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे बात करूँगा। सुबह से टाइम हो रहा 2:30 और अभी मैं आया हूँ लाहौर की फेमस स्ट्रीट विच इज़ सूरज सिंह गली, ठीक है, ये भी वज़ीर ख़ान मस्जिद के बिल्कुल साथ ही पड़ती है और कुछ इस तरह की ये गली है, ठीक है, और अभी इंशाल्लाह ये भी एक वीडियो में जो है वो शूट करूँगा, मतलब कि ये वज़ीर ख़ान मस्जिद के साथ ही है, ये उससे नेक्स्ट मतलब कि अलग होगी है ये वीडियो, लेकिन होप करूँगा पूरी कोशिश करेंगे, आप बड़ी मेहनत है इसमें इस काम में, ये देखिए गली सूरजन सिंह ये लिखा हुआ है। तो बस ये करते हैं, वीडियो बनाते हैं अपनी और फिर मैं आपसे इंशाल्लाह मिलता हूँ। सो द टाइम इज़ 9:37
और यार मैं आ गया था घर उसके बाद, और बस मैं ना थोड़ा सा डिसहार्ड हो गया था, वो इसलिए कि मैं घर आया और मैंने ना मेरे पास मैंने असल में कल भी माइक ढूंढने गया था अपना इस वीडियो के लिए, जो मैंने वीडियो आज रिकॉर्ड करनी थी उसके लिए, तो मुझे माइक नहीं मिला। असल में क्या हो रहा था कि आईफोन जो है वो मेरा माइक नहीं उठा रहा था क्योंकि कोई अच्छा माइक नहीं था। और आज फिर मैं घर आया, मैंने फिर कल आज जो रिकॉर्ड किया था ना वो मैंने एक दोस्त के फोन के साथ उसकी वीडियो साथ प्ले करके उसके फोन में मैंने अपना ऑडियो रिकॉर्ड किया था, और वो मैंने ऑडियो उसके ऊपर एड ऑन कर देना था, मतलब उसके ऊपर वो जो ऑडियो था वो सेम था तकरीबन सारा, और तो क्योंकि एक साथ ही वीडियो स्टार्ट की थी तो दोनों का ऑडियो तकरीबन सेम था बिल्कुल ऑलमोस्ट, तो मैंने वो वाला ऑडियो उस पर लगा देना था। तो लेकिन मैं घर आया, बीच में मैंने देखा बहुत से जगह पे ऑडियो ही नहीं था, मतलब कि थोड़ा सा ऑडियो चलता था, ऑडियो खत्म गायब हो जाता था, फिर एकदम ऑडियो आ जाता था। तो वो कहते हैं ना एकदम डिसहार्ड हो गया, बहुत बहुत दुख हुआ बहुत ज्यादा कि मैंने तकरीबन यार 1 बजे से लेकर मैंने 3 बजे तक वहां मेहनत की थी, ठीक है मेरी 2-3 घंटे की मेहनत थी, ठीक है मैंने इतना मेहनत की इतना सारा कुछ किया, लेकिन उसके बाद भी जो है वो मेरा वीडियो नहीं बन सकी। लेकिन नो डाउट कोई मसला नहीं है, अगर इंशाल्लाह मैंने माइक को बंदोबस्त कर लिया है, इंशाल्लाह माइक का जो है वो अपना अरेंज हो गया है, माइक जो है वो अब ले रहा हूँ, ठीक है। माइक में आज गया था एक माइक वो जो ब्रांडेड माइक है ना वो सिर्फ आईफोन के साथ अटैच हो रहा है, माइक जो है वो काम कर रहा है। अभी कल एक जगह और जाऊंगा, अगर वहां से अच्छा माइक मिल गया तो ठीक है, वरना जो जहां देखा है वहां से वो अपना एक माइक खरीद लेंगे। देखो क्या है कि इस चीज का मुझे शौक है, ठीक है ये एक लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है लाइफ टाइम नहीं तो यार चलो 1-2 साल तो निकालेगा ना यार, तो ठीक है 1-2 साल निकाले, मुझे और क्या चाहिए यार। बस मेरा ख्वाब है कि मैं जो हूं ना अच्छा सा एक यूट्यूबर बनूं, ठीक है मैं अपना 100% दे रहा हूँ, ठीक है और मैं फुल देना चाहता हूँ, मैं इस चीज के अंदर बस घुसना चाहता हूँ और मैं बस कमाल करना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आई एम रियान खान, ठीक है और मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो ठीक है यार कोई मसला नहीं है, जो होता है फिर मैंने बाद में डिसाइड नहीं, और मैंने कहा ठीक है जो होता है बेहतरी के लिए होता है, हो सकता है इससे अच्छी और वीडियो बन जाए, इससे अच्छी अल्लाह ताला और इससे अच्छी वीडियो बनवाना चाहता हूँ मेरे से, इसलिए जो है ये सब हुआ। तो कोई मसला नहीं यार, इंशाल्लाह मंडे को दोबारा रीटेक करेंगे और इंशाल्लाह होप अपना बेस्ट देंगे। तो ठीक है इस वीडियो को यही एंड करते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर यार अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर देना यार, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो यार, और शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको मेरे ब्लॉग के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ बुरी लगी। तो ठीक है मिलता हूँ फिर आपसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।